सांड की आंख के ट्रेलर से नीना गुप्ता को हुई शिकायत, बोली हमारी उम्र के रोल तो हमें करने दो। सांड की आंख का ट्रेलर मंडे को रिलीज हो गया। ये फिल्म दिवाली के मौके पर यानी कि 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसमें तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर अहम भूमिकाओं में है। दोनों ने 60 साल की शूटर दादी का रोल निभाया है। तुषार हिरानंदानी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन मूवी में एक्ट्रेस की कास्टिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि 60 साल के रोल में तापसी और भूमि फिट नहीं बैठ रहे। वहीं एक यूजर ने ट्वीट करके लिखा, भूमि और तापसी आप मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि इन किरदार के लिए किसी सीनियर आर्टिस्ट को लिया जाना चाहिए था। नीना गुप्ता, जया बच्चन और शबाना आजमी जैसे एक्ट्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? वहीं एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने एक ट्वीट पर रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा, हाँ मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। हमारी उम्र के रोल तो कम से कम हमसे करा लो भाई। आपको बता दें कि एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने उम्र वाले किरदारों पर पहले अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था, सिनेमा में हमेशा से ही लोग अपनी उम्र से ज्यादा के रोल निभाते रहे हैं। अनुपम खेर ने फिल्म सारांश और मदर इंडिया में नरगिस ने अपनी उम्र से ज्यादा के रोल किए थे, जिन्हें आज भी सराहा जाता है। जब हम अपनी उम्र से कम के रोल निभा सकते हैं, तो बड़ी उम्र के किरदारों को निभाने में क्या दिक्कत है।